सियाने कहते हैं कि कोई भी काम जेकर मेहनत से लगन ना किया जाए तो एक दिन उस कामयाबी मिल ही जाती है। इस कहावत को रूपनगर के 22 साल के विद्यार्थी करमप्रीत सिंह ने सच करके दिखाया है। करमप्रीत ने BSc फिजिक्स ऑनर विच इन्नी मेहनत और लगन ना पढ़ाई की कि उस तो प्रभावित होकर खुद कनेडा की क्वींस यूनिवर्सिटी ने उसनु अगली पढ़ाई करने लई सद्दा दिता है। इत्थे ही बस नहीं, यूनिवर्सिटी वालों करमप्रीत नु $32,000 भाव 18.5 लाख रुपए सालाना स्कॉलरशिप भी दी जा रही है, जिस विच करमप्रीत की पढ़ाई रहन अते खान पीन का सारा खर्चा शामिल है। दूसरे पासे करमप्रीत के पिता सतिंदरपाल सिंह जो बैंक के मैनेजर अते माता अध्यापक हैं अपने पुत्र की इस कामयाबी विच फुले नहीं समा रहे हैं। उधर करमप्रीत ने अपनी इस कामयाबी का सिहरा अपने माता पिता के छोटे भरा के सिर पर बन्नया है अते कहा है कि कामयाबी उसने अपने माता पिता के छोटे भरा की बदौलत ही हासिल की है। मेरी सिलेक्शन हुई है प्राइमरीली मेरे रिसर्च पेपर से BSc के टाइम पर। मेरे 5 रिसर्च पेपर से, मैं मानता कि वह वड्डा फैक्टर से मेरी सिलेक्शन लिए। उदे तो इलावा जो मैं अप्लाई किया यूनिवर्सिटी तो मेरे जो हूँ सुपरवाइजर बने ने उन्होंने मेरी इंटरव्यू ली। इंटरव्यू तकरीबन 5 घंटे चली, बहुत औखी सी एक तरह ना। ते उदे च उन्होंने कई तरह के क्वेश्चन पूछे, काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरी रिसर्च को लैके भी, तो जो अगे आके करना उत्थे आके करना उन्होंने लैके भी। तो उस तो बाद उन्होंने फिर मैंने एक छोटा प्रोजेक्ट दिता करने लिए। हफ्ते बाद दोबारा उन्होंने इंटरव्यू की, तो उस तो बाद उन्होंने फिर जो फाइनलाइज की सिलेक्शन। एम की है, थोड़ा सपना की है? एम कोई बहुत कमाल का नहीं लगे सुन, सिंपल एम कि मैं रिसर्च ही जाना है अगे, मैं सीखना इस तरह की चीज़ा डेवलप करनिया चाहता, क्योंकि मैं मानता कि अजकल जो अज जो भी साढ़े को है हजे असं मोबाइल फोन यूज़ करते हैं, टैलीविजन फ्रिज यूज़ करते हैं, अपने अपने टाइम तो बड़ी वड्डी इनवेंशन से, तो यह सारा कुछ रिसर्च तो ही आया, साइंस तो ही आया। तो मैं चाहता कि मैं उससे फील्ड कंट्रीब्यूट करा ताकि असं आने वाले टाइम से असं अपनी जी ह्यूमैनिटी लिए जेड़ा आस पास जो चीज़ें वो ईजी हो करनी। हाँ जी सर, की कहना चाहते हो? बेटे ने माण बताया जोड़ा है थोड़ा पूरे। हाँ जी, इस तरह बेटे ने राइनहार्ड फैलोशिप ली है, मैं मिली है क्वींस यूनिवर्सिटी जो सरकारी यूनिवर्सिटी है कैनेडा से, और कैनेडा 10वें रैंक की यूनिवर्सिटी है जिन्हें मतलब इनू उत्थे एडमिशन दी है और विद फुल फंडिंग एडमिशन दी है। असी बहुत माण फील करते हैं कि इन्हें साडा तो ना मतलब रोशन किया ही किया, नाल उसके मतलब रोपड़ जिले का नाम भी रोशन किया। रोपड़ जिले पहला बच्चा है जिन्होंने उत्थों की फैलोशिप मिली है। सर किन्ने साल थोड़ा बेटा जो है प्लस टू तो बाद बाहर रहा, होस्टल दे विच लिया पढ़ाई के लिए किन्ने साल? तकरीबन 3 साल ये रोपड़ तो बाहर रहा, LPU दे विच इन्हें स्टडी की है। लेकिन होशियार तो शुरू तो सी, बचपन तो ही होशियार सी। 10th जो 10th क्लास दे विच सी इहदा नंबर 10th ग्रेड CGPA 10 आई सी इहदी। तो उस तो अलावा एक गल मैं होर कहनी चाहवाँगा कि इहनू असीं शुरू तो ही ना मतलब ये आदत पाई सी कि पढ़ाई ते फोकस करे, मतलब इधर उधर जिस तरह असी इनू जो मोबाइल भी लैके दिता, मोबाइल फोन भी एंड्रॉयड फोन भी लैके दिता, प्लस टू तो बाद लैके दिता। प्लस टू तक एक नॉर्मल फोन से और इन्हें सिर्फ मतलब अपने पढ़ाई से फोकस किया, नाल फोन यूज़ किया, पर यह नहीं कि मतलब इधर उधर फालतू कामों वास्ते पढ़ाई वास्ते इन्हें फोन यूज़ किया जिन्ना भी किया। तो मैं मतलब इस गलते भी गल रखनी चाहवाँगा कि बच्चे जो अजकल डाइवर्ट होंगे अपने मेन फोकस तो, उस चीज़ का एक जरा है वह पेरेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। रूपनगर तो सज्जन सैनी की रिपोर्ट, पंजाब टुडे।